अस्सलाम वालेकुम, पीस बी अपॉन यू ऑल। दोस्तों, ये लीगल मशवरा प्रोग्राम में आज जो है सो मल्टीपल एंट्री वीज़ा के मुतालिक जो है सो वीडियो क्रिएट की गई है, और इस सिलसिले में हम फर्दर मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे इसके डिटेल्स। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता क्या है और इसका अमल कब आया है और इसके रूल्स रेगुलेशंस, इसके प्रोसीजर क्या है और कितनी फ़ी है और इसके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या फुलफ़िल करना है, क्या इसको एजेंट की हेल्प लेना ज़रूरी है, क्या आप जो है सो सिर्फ आप खुद अप्लाई कर सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के जो है सो क्लैरिफिकेशन, ये डिटेल्स जो है सो दी गई है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों से इल्तिजा है कि आप आखिर तक जुड़े रहिए, और आपको कुछ डाउट है वीडियो ख़त्म होने के बाद में तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे कांटेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके या ईमेल के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स आप जो है सो जान सकते हैं। और ये वीडियो खुसूसन सिर्फ मल्टीपल एंट्री वीज़ा के मुतालिक है। बाकी के जो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, मुझे मेरे दूसरे वीडियोस हैं एब्सकॉन्डिंग के ताल्लुक से, और ये जो है सो वीज़ा कैंसिलेशन प्रोसीजर और बहुत सारे वीडियोस हैं जो अहम हैं, वो आप सबको इस वीडियो में इस चैनल पे मिलेंगे। आप जो है सो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं हम फर्दर जो है सो ये मज़ीद वीडियो को। UAE 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा अमल में आ चुका है UAE में। ये 5 साल का वीज़ा, 5 ईयर्स का जो सो वीज़ा है, और ये मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सकते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर है, 90 डेज़ तक आप रह सकते हैं यहाँ पे। 650 दिरहम फी है। ये आप ICA में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है सो यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स, सारे जितने भी 7 एमिरेट्स हैं, सभी लोग ने लास्ट ईयर 2020 में जो है सो इसका प्लान दिया था और इसको अमल में लाया गया। ये आज 29 तारीख से, 29 सितंबर 2021 से, और यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। और ये कौन से नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके रास्ते में ये लोग ने जवाब दिया है कि ऑल नेशनलिटीज़ बताएं, कोई एक पर्टिकुलरली एक नेशनलिटी को टारगेट नहीं किया गया, यानी नहीं ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई कर सकते, सब किया नहीं गया। इसका मतलब ऑल नेशनलिटीज़ सभी कर सकते हैं इसके रास्ते में। और कितने मरतबा जो है सो एक मरतबा ये वीज़ा मिलने के बाद एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसके मुताबिक मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक से मर के 2, 3, 4, 5, इससे कोई वो नहीं है। यानी आप एक मरतबा आपको वीज़ा मिल गया तो आप कई बार 100 वक्त भी और जा सकते हैं, लेकिन आपकी एंट्री होने के बाद में 90 डेज़ जो है सो आप क्रॉस होना नहीं है। हाउ मेनी डेज, मंथ्स एंड कैन स्टे, 90 डेज़ तक आप रह सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक्सटेंड होने के भी उसके चांसेस हैं। मैक्सिमम और 90 डेज़ तक होगा, उससे ऊपर एक्सटेंड नहीं होगा। जुमला 180 डेज़ तक का इसका प्रोविज़न है। क्या एक्सपायरी होने के बाद में आप वीज़ा 90 डेज़ का एक्सटेंड कर सकते हैं, एक सवाल है। तो हाँ, 90 डेज़ आप कंटिन्यू रह रहे हैं, आप उसके बाद में एक्सटेंड करना चाह रहे तो, और 90 डेज़ वहीं इनसाइड वीज़ा रह के कर सकते हैं, मैक्सिमम 180 डेज़, और इन ए ईयर यानी साल भर में 180 डेज़ रह सकते हैं आप, बोलकर ये कंडीशन है इसका। 90 डेज़ हो चुके हैं और जो है सो आप जो है सो UAE बाहर चले गए, और आप 4-5 महीने के बाद दोबारा आना चाह रहे हैं, तो क्या आप आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप जो है सो इस ये री एंटर कर सकते हैं आप UAE में, और आने के बाद में जो है सो, फॉर एग्जांपल आपके 90 डेज़ पहले कंप्लीट नहीं हो तो आप 90 डेज़ कंप्लीट कर ले सकते हैं आप, नहीं या 90 डेज़ आपके पहले हो चुके हैं तो बाकी के और 90 डेज़ के हिसाब से आपकी एंट्री होगी। वही कंडीशन है कि 180 डेज़ क्रॉस होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 दिन आपके गुजर चुके हैं, उसके बाद किसी वजह से एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आप, क्या आप कर सकते हैं? तो उसका क्लैरिफिकेशन दिया, अगर आपके 180 दिन आप कंटिन्यू रह चुके हैं, या 90 डेज़ एक मरतब आ गया फिर दोबारा आके और 90 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं आपके, या जुमला 180 डेज़ हुए, तो हाँ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए और जो है सो सिचुएशन आपके बियॉन्ड कंट्रोल होना है। तो इन दोनों सूरत अगर रही तो आप फेडरल ICA या GDRF को जो है सो आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर वो लोग वो केस टू केस जो है सो बेसिस चेक करते हैं, अगर उनको समझ में आया कि आपका कोई रीज़न है जेन्युइन, तो वो लोग आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर कर सकते हैं।
डिफरेंस क्या है कि ये फेडरल आईसी और जीडीआरएफ के डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस मेन ये है कि ये फेडरल अथॉरिटी आईसीए में सिर्फ 6 एमिरेट जो है दुबई को छोड़कर यहाँ पर ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, और दुबई में ये अगर आपको वीज़ा चाहिए दुबई का अप्लाई करना है तो ये जीडीआरएफ के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आईसीए के लिंक कौन सी है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, जो दुबई में आप दुबई के लिंक अलग है, तो आईसीए के लिंक ये है। देखिए, ये आप क्लिक आप टाइप कर लीजिए, आप उसके बाद में उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दुबई के लिंक ये है, जीडीआरएफ के ये लिंक है, इसके तहत आप अप्लाई कर ले सकते हैं। और ये कोटा सिस्टम फिलहाल जो है सो ये ट्रैवल एजेंसीज को इस साल दिया गया क्या एक सवाल है, तो इसका जवाब ये दिए वो लोग कि इस साल कोई भी जो है सो कोटा सिस्टम अवार्ड नहीं करे ट्रैवल एजेंसीज को। इसका जवाब सिंपल यही है। ये वीज़ा अगर आप ऑनलाइन सबमिट करने वो रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा ये किसके अख्तियार में है बोले तो, यहाँ पर उसका जवाब दे रहे हैं कि वो डिस्क्रिशनरी पावर से, यानी उनके पास उनकी खुद मुख्तियारी है कि चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जेन्यून आपके डॉक्यूमेंट सही है या कोई और रीज़न, हर जो भी आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल करे आप फॉर्म के हिसाब से, तो अगर कोई रीज़न नहीं है तो आपको जो है सो आपको रिजेक्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं, एक्सेप्ट करते, कोई प्रॉब्लम रहा हो तो रिजेक्ट करना एक्सेप्ट करना उनके अख्तियार में है। 90 डेज़ का पीरियड आपका कब से स्टार्ट होगा? 90 डेज़ का पीरियड आपका जब से फर्स्ट डेट आप जैसे एंट्री लेंगे, फॉर एग्जांपल आज आपका वीज़ा इश्यू हुआ 2/10/2021 को या 3/10/2021 को, और आप आ रहे हो 3/11/2021, तो आपकी वीज़ा डेट 3/11 से स्टार्ट हो गया। वहाँ से 90 डेज़, 3/11 से आपके 90 डेज़ स्टार्ट होंगे, ना कि 3/10 से आपके, तो उस लिहाज से आप प्रिपेयर होके आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया गया, सबसे पहले आपको अपलोड करना है आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म, आपका नाम डालना है उसमें, उसके बेनिफिशियरी डिटेल्स क्या है आपके डालना है, आप इनसाइड में कहाँ रह रहे हैं यूएई के अंदर, आउटसाइड कहाँ रहेंगे, उसके बाद में आपका अटैचमेंट करना है, पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट है, फोटो है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, और यूएस डॉलर आप कन्वर्ट कर लीजिए दिरहम में, आज का रेट क्या है डॉलर 4,000 दिरहम, कम से कम 6 मंथ्स तक आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन रहनी चाहिए उसके अंदर, और इक्वलेंट इन फॉरेन करेंसी मतलब इंडियन करेंसी में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद में जैसा आप ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड मरतबा आपको रिव्यू करना है एप्लीकेशन, फोर्थ में 650 दिरहम फी जो पे करना है आपको, हो सकता है मजीद कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ चार्जेस है तो वो भी पे करना है, उसके बाद में वीज़ा आपको ईमेल में आ जाएगा। और फीस कितनी है देखिए, 650 दिरहम बोलकर ऑफलाइन जो है सो ये सॉरी ऑनलाइन जो है सो ये बताया गया, और कुछ ऑफलाइन अगर कुछ है मिसलिनियस एक्सपेंसेस वगैरह है तो उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो इस वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अब जहन में रख लीजिए 650 दिरहम है बस। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों से शेयर करना था, मैंने शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई, अगर कुछ मज़ीद इससे कुछ सवाल जवाब है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में और मोबाइल नंबर पे आप जो है सो मुझे रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।